नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। गाइस आज हम बात करेंगे टीवी सीरियल इंडस्ट्री के नई टीआरपी लिस्ट के बारे में और किस तरीके से दोस्तों अनुपमा को पछाड़ के आखिर वो कौन सा शो है जो नंबर वन बन चुका है और टीआरपी लिस्ट में फिर से नंबर वन पोजीशन दोस्तों हासिल कर चुका है। ये शो काफ़ी पॉपुलर शो है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा है ये शो और आखिर किस वजह से इस शो ने दोस्तों इतने लंबे समय से टॉप पे चल रहे अनुपमा सीरियल को पछाड़ दिया। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। गाइस अगर यूँ तो बात करें तो टीवी सीरियल में बहुत ही लंबे समय से अनुपमा जो है वो टॉप पे बना हुआ है टीआरपी के लिस्ट में, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा होगा सब टीवी का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े ट्विस्ट और टर्न्स वाली अभी स्टोरी चलाई जा रही है। एक नई हॉरर कॉमेडी को लेकर नई स्टोरी दोस्तों इंट्रोड्यूस की गई है, जहां पे मेहता साहब के अंदर दोस्तों भूत होने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं अब इस भूत ने दोस्तों किस तरीके से बखेड़ा खड़ा कर दिया है, करेला भूत और मेहता साहब, ये तीन ऐसी स्टोरी है जो कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा के दोस्तों टीआरपी के लिस्ट में टॉप पोजिशन पे लेके आ चुका है तारक मेहता को उल्टा चश्मा को, क्योंकि बहुत लंबे समय से तारक मेहता का उल्टा चश्मा दोस्तों टीआरपी के लिस्ट में टॉप रैंकिंग पे नहीं आ रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से मेकर्स ने दोस्तों ये नई स्टोरी इंट्रोड्यूस किया है, ऐसे में इसी हफ्ते की जो नई टीआरपी लिस्ट आई है इस लिस्ट में अनुपमा जो है वो सेकंड पोजीशन पे अब आ चुका है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो कि बहुत ही पॉपुलर बहुत ही पसंदीदा सीरियल है लोगों का, अब वो दोस्तों फिर से नंबर वन पोजीशन हासिल कर चुका है। वेल आप लोग को दोस्तों ये न्यूज़ जान के कैसा लगा है और क्या लगता है आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्या आने वाले दिन में भी बना रहेगा नंबर वन पोजीशन पे, और आप अभी स्टोरी दोस्तों कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।